মেতেছে প্রাণ মেতেছে বছর পরে মা এসেছে ঢ্যাঙ্কুরা কুর ঢাকের বল আপ লোক দেখতে চাই যে কি কাফি শানদার এক প্যান্ডেল বানা হুয়া ঠিক আছে আর উসকা সাথ সাথ কুছ অর ভি ইধার শানদার দিখ রহা হ্যায় ঠিক আছে লেকিন এসএফ পে আপ লোক ধ্যান মত দিজিয়ে তো আপ লোক দেখ সকতে হ্যায় ইয়ে হো গিয়া নাগাল্যান্ড গেট কা জো কি প্যান্ডেল লেকিন লাইটিং বাগরা ভি কাফি আচ্ছা কিয়া फिलहाल है हम लोग हिल स्टार का सामने जो कि आप लोग ये देख सकते हैं। गणपत फिल्म देखूंगा क्योंकि ये मैं देखे आप लोग देख सकते हैं जो कि बैंक कॉलोनी का जो पेंडल है ठीक है काफी ज्यादा मस्त बनाया है। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं जो कि ये हो गया अंदर का डेकोरेशन काफी ज्यादा मस्त डेकोरेशन किया है। हेलो गाइस कैसे हो आप सब आई होप सब अच्छे हो। तो दोस्तों फिलहाल जो कि मैं हूँ सर्कलर रोड पे आप लोगों को जैसा कि पता होगा लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देख ही चुका है ना तो क्यों और आप ही का जो ये ब्लॉग है ये मैं सर्कलर रोड से स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और ब्लॉग शुरू करने से पहले जो कोई भी नया हो मेरा चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिलने के लिए। और आप ही जो हम लोग सर्कलर रोड से जो ब्लॉग शुरू कर रहे हैं मैं अकेला नहीं हूँ अगेन मेरा साथ समीर है ठीक है। हम लोग दोनों ही जाके कवर करेंगे कहाँ पेंडल कैसा क्या बना है। तो चलिए अभी चलते हैं आगे और जाके देख लेते हैं नेक्स्ट पेंडल हमारा कैसा कहाँ क्या बना है ठीक है। तो ब्लॉग पर पूरा एंड तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों आप सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा। चलिए हमारे साथ हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे ठीक है। तो दोस्तों अब फिलहाल हम लोग है खेरमोल का सेकंड पेंडल पर ठीक है जो कि AH रोड बोला जाता है इस जगह को और इधर का जो पेंडल है काफी ज्यादा सुंदर बना है ठीक है। तो चलिए मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ आप लोग हमारे साथ बने रहिए हम आप लोग को दिखाने वाले हैं दूसरा पेंडल ठीक है। काफी मस्त पेंडल बना हुआ है ये खेरमोल का सेकंड पेंडल है ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग जो कि काफी शानदार एक पेंडल बना हुआ है ठीक है जो कि ये है खेरमोल का सेकंड पेंडल और खेरमोल का फर्स्ट पेंडल तो आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग पे देख ही चुका होगा और अगर नहीं भी देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा ठीक है। बहुत ही मस्त एक पेंडल बना है उधर। बाकी चलिए बाहर तो मैंने दिखा दिया अभी चलते हैं अंदर और अंदर में कैसा बना हुआ है वो भी जाके हम लोग एक बार देख लेते हैं ठीक है। तो ये अंदर का नजारा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो कि काफी अच्छा ही बनाया मतलब छोटा सा बनाया लेकिन मस्त बनाया मैं बोलूंगा ठीक है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये तो मुझे भी नहीं पता। तो चलिए अभी यहाँ से भी बाहर निकलते हैं हम लोग। तो दोस्तों फिलहाल है हम लोग हिल स्टार का सामने जो कि आप लोग ये देख सकते हैं ठीक है। फिलहाल है हम लोग हिल स्टार का सामने लेकिन फिर आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग मूवी देखने आ गए। मूवी देखने नहीं आया क्योंकि वहाँ पे मैं बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ पे गाना बहुत जोर से बज रहा था जो कि आप लोगों को पता है कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा गाना अगर मैं डालू ना। तो इसीलिए आप पूजा है किसी को गाना बंद करो भी बोल नहीं सकते। अभी उधर का जो पेंडल था मतलब खेरमोल का जो सेकंड पेंडल AH रोड का वो आप लोगों को कैसा लगा मैं तो बोल नहीं सकता कमेंट करके लेकिन आप लोग जरूर बता दीजिएगा ठीक है। लेकिन मैं तो इतना बोलूंगा कि मतलब कॉलोनी इतना बड़ा नहीं था छोटा ही कॉलोनी है लेकिन कॉलोनी का हिसाब से तो ये पेंडल बेस्ट है ठीक है मैं इतना ही बोलूंगा। बाकी समीर को तुम गणपत फिल्म देखूंगा क्योंकि ये मैं देखिए शटर क्लोज है ठीक है। तुम गणपत कैसे देखेगा इधर शटर क्लोज है जो कि आज हिल स्टार बंद है ठीक है। अब क्यों बंद है वो तो पता नहीं और नहीं हम लोगों को मूवी देखना है। बाकी जो अभी हम लोग खेरमोल का सेकंड पेंडल जो देख के आया वो तुमको कैसा लगा बताओ। बाहर से देखे तो इतना अच्छा लगा था जब अंदर घुसा तो हमको इतना अच्छा नहीं लगा। कॉलोनी का हिसाब से तो ठीक ही है बोलेगा वो बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी चलते हैं आगे और जाके देख लेते हैं ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग आया हुआ है घोड़ा पट्टी पर ठीक है। तो चलिए आप लोगों को दिखाता है कि घोड़ा पट्टी का जो पेंडल है वो कैसा बना है ठीक है। और यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भी है आप लोग जो कि देख सकते हैं। तो चलिए चलते आगे और जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो पेंडल है वो कैसा बना है ठीक है क्योंकि हर साल यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा बनता है बट इस साल कैसा बना है चलिए देखता है। देख सकते हैं गाइस आप लोग काफी ज्यादा शानदार बना हुआ है ठीक है इस बार भी। चलिए मैं आगे जाके आप लोगों को ठीक से दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो कि काफी शानदार एक पेंडल बना हुआ है ठीक है ये आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे लोग भी काफी ज्यादा है। तो चलिए बाहर तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को अभी चलते हैं अंदर और अंदर का नजारा कैसा है वो भी जाके देख लेते हैं हम लोग ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी अंदर चल रहे हैं और जाके अंदर का नजारा देख लेते हैं। तो दोस्तों अंदर का नजारा आप लोग देख सकते हैं ठीक है लेकिन पेंडल का हिसाब से तो मैं बोलूंगा गाइस मूर्ति इतना सही नहीं है ठीक है। ऐसा तो मूर्ति सभी अच्छा है मूर्ति को गलत नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी पेंडल जितना शानदार हुआ मूर्ति इतना शानदार इधर का नहीं हुआ ठीक है। और उसका साथ साथ कुछ और भी इधर शानदार दिख रहा है ठीक है लेकिन ऐसे में आप लोग ध्यान मत दीजिए आप लोग मूर्ति और पेंडल ही देखिए ठीक है। और बाकी वो लाइटिंग वगैरह भी इधर में बहुत ही अच्छा किया है अंदर में काफी सारा लोग भी है देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अभी यहाँ से भी निकलते हैं हम लोग। तो दोस्तों घोड़ा पट्टी का जो पेंडल था वो आप लोगों को कैसा लगा और चलिए समीर को भी एक बार पूछता है कि उसको जो घोड़ा पट्टी का जो पेंडल था वो कैसा लगा ठीक है। तो समीर बताओ भाई तुमको कैसा लगा घोड़ा पट्टी वाला पेंडल। हमको तो बहुत ही अच्छा लगा है
और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं आगे और आगे जाके भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुका है नागालैंड गेट में, ठीक है, और यहाँ में एक पेंडल है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। दोस्तों जैसा कि देखिए ये जो एरिया है इसको आप लोग बोरापट्टी भी बोल सकता है और नागालैंड गेट भी बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि नियर ही नागालैंड गेट है, जो कि भाई एक बार घुमा के दिखाओ। दोस्तों ये आगे में हो गया जो कि नागालैंड गेट, ठीक है, और ये हो गया पेंडल, ठीक है। तो चलिए इधर का पेंडल को मैं जाके आप लोगों को दिखाता हूँ पास से, क्योंकि इधर का जो पेंडल है काफी मस्त बना है। आप कैसा बना है चलिए पास चलते हैं और जाके मैं दिखाता हूँ बाहर भी और अंदर भी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हो गया नागालैंड गेट का जो कि पेंडल, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक बहुत जोर से बज रहा है, मेरा आवाज आप लोग सुन पा रहा है कि नहीं आई डोंट नो, नहीं पता, लेकिन लाइटिंग वगैरह भी काफी अच्छा किया है, जो कि ये रहा नागालैंड गेट, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये नागालैंड गेट और इधर बना है पेंडल, ठीक है। तो चलिए बाहर का तो नजारा आप लोग ने देख लिया है, अभी चलते हैं अंदर और अंदर का नजारा जाके हम लोग देख लेते हैं। हेलो हेलो बछर परे दुर्गा पूजा, चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर का नजारा लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं जो कि नागालैंड गेट वाला मूर्ति, ठीक है, काफी ज्यादा मस्त है मैं बोलूंगा, ठीक है। पेंडल से ज्यादा तो मुझे मूर्ति अच्छा लगा, बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इस एरिया का मतलब अंदर का डेकोरेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, चलिए मैं अंदर का डेकोरेशन तो एक बार आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को भी काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है इधर का डेकोरेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं जो कि ये हो गया अंदर का डेकोरेशन, काफी ज्यादा मस्त डेकोरेशन किया है, ठीक है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, आप लोगों को भी कैसा लगा बताइएगा जरूर। लेकिन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि अंदर का जो डेकोरेशन है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। बाहर का डेकोरेशन से अंदर का डेकोरेशन बहुत ज्यादा अच्छा था, जो कि आप लोगों ने भी देखा है। तो कैसा था कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी सबीर भाई तुमको कैसा लगा अंदर का डेकोरेशन? भाई बहुत अच्छा लगा, बाकी ये आवाज जो आप देख रहे हैं पीछे में इसके लिए सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन क्या करें अभी पूजा है तो ढोल वगैरह तो बजाएंगे ना, तो जो भी है चलिए चलते हैं आगे और आगे जाके देख लेते हैं कहां क्या बना है, ठीक है। जैसा कि हम लोग नागालैंड गेट से अभी जा रहे हैं, ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं आगे और जाके फिर आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ कैसा क्या बना है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल हूँ मैं जो सुपरमार्केट का बैंक कॉलोनी है, ठीक है, तो चलिए बैंक कॉलोनी में कैसा पेंडल बना वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे कुछ लाइटिंग का बनाया है पेंडल जो कि है, ठीक है, मतलब जो सिंपल सा गेट बनाया देख सकते हैं आप लोग, और अंदर में जो कि पेंडल बना है। तो चलिए चलते हैं अंदर और जाके देखते हैं अंदर में कैसा बना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं जो कि बैंक कॉलोनी का जो पेंडल है, ठीक है, काफी ज्यादा मस्त बना है, क्योंकि कॉलोनी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कॉलोनी का हिसाब से मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट है ये, ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा है। तो चलिए अभी बाहर तो देख ही लिया हम लोग, अभी चलते हैं अंदर और अंदर का भी नजारा एक बार देख लेते हैं। तो अंदर भी काफी ज्यादा अच्छा डेकोरेशन किया आप लोग देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह से, ठीक है, और थोड़ा गली घुस के फिर मूर्ति अंदर में, ठीक है, तो आप लोग दूर से ही देख सकते हैं मूर्ति भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए पास में जाके एक बार देखते हैं हम लोग, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन जो भी है चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग मूर्ति भी देख सकते हैं काफी ज्यादा मस्त बनाया गया इधर का, ठीक है, मतलब पेंडल और मूर्ति दोनों ही बेस्ट है, आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो पूरा ब्लॉग आप लोगों ने देखा है आप लोगों को देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी मुझे ब्लॉग एंड करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा फोन में बैटरी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग से जितना हो पाया उतना मैंने आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया, ठीक है, लेकिन अभी भी घूमने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन अभी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन क्या करूं क्योंकि दोस्तों एक दिन में अगर मैं सब मतलब कवर कर लूंगा तो कल क्या देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसके लिए कल के लिए भी कुछ बचा के रखना है, तो इसलिए क्योंकि कल भी तो घूमना है ना, तो इसलिए अभी तो फोन पे बैटरी भी नहीं है तो मैं ब्लॉग भी बना नहीं सकता, तो इसलिए आज का ब्लॉग तो यहीं पे एंड करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन जो भी है चलिए एक बार समीर से भी पूछ लेते हैं कि वो जो आज पूरा घुमा उसको कैसा लगा, ठीक है, तो बताओ भाई तुम जो पूरा घुमा कैसा लगा? हमको तो बहुत ही अच्छा लगा है, ठीक है, और यहाँ में आके हमको डांस करने का बहुत ही शौक था, ठीक है, लेकिन मतलब मन था, मन था, तो क्या क्यों नहीं डांस आता नहीं ना, देखो तो देखो गाइस क्या बोला, बेचारा को डांस करने का मन था लेकिन आता नहीं है तो क्या करे, लेकिन जो भी है चलिए
दिन भी अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन जो भी, लेकिन दोस्तों अभी आज के लिए जितना हो सका उतना हम लोग आपको दिखाने की कोशिश किया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम और इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छा करके दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों कल का जो ब्लॉग आने वाला है, मतलब इसका बाद जो ब्लॉग आएगा सब टाउन का ब्लॉग आएगा, जैसे कि दुर्गा मंदिर हो गया, उसका बाद क्या बोलता है वो मुनिपुरी बस्ती मिडलाइन, उसका बाद सिग्नल अंगामी, मतलब टाउन का एरिया का पूरा ब्लॉग आप लोगों को देखने मिलेगा। जो कि दुर्गा मंदिर तो काफी मतलब अच्छा बनता है हर साल, आप लोगों को जैसा कि पता ही है, लेकिन इस बार कैसा बना नहीं बना क्योंकि हम लोग अभी तक तो गया नहीं है, बोल नहीं सकेगा। कल हम लोग जाएंगे। मेरा भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो दोस्तों कल तो हम लोग जाएंगे और जाने से कैसा कहा क्या बना है वो तो पूरा आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग हम लोग यही पे एंड करते हैं। आप लोगों को आज का ब्लॉग देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह ब्लॉग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।